तो भैया ये था आज हमारे घर के बाहर का माहौल। बारिश वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन बारिश का एक ड्रॉबैक भी होता है कि हम लोग अपने डॉग्स को टहलाने नहीं ले जा पाते हैं, है ना। हाँ, मैं भी नहीं ले जा पाता, तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन वैशाली है ना, तो वैशाली का सीन पता है क्या है, उसको पीनट को टहलाने ले जाना है तो ले जाना है, चाहे बारिश हो जाए, चाहे भूकंप आए, चाहे ज्वालामुखी फटे, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब आप देखो, वो सुबह सुबह जब गई ना टहलाने, तो मेरे को लगा ये जाएगी पानी देखेगी, डर जाएगी और वापस आ जाएगी। और मैं सोच रहा था कि जब ये पानी से डर के वापस आ जाएगी ना, तब मैं बहुत हंसूँगा कि हाँ भैया कितने किलोमीटर टहला के लाए, 2 या 3। लेकिन इन लोग की जोड़ी ने ना आज कुछ कमाल ही कर दिया। कैसे, आप खुद ही देख लो। बेबी सड़ जाएंगी दोनों दोनों सड़ ना जाए, ले तो जा रही हो। तो भाई वैशाली और पीनट तो निकल लिए अपनी जर्नी पे। अब 20-25 मिनट तो मैं आराम से बैठा रहा, फिर मेरे को थोड़ी फिक्र हुई। मैंने कहा यार पानी बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई इन लोग को। तो भैया क्या करें, एक अच्छे हस्बैंड की तरह हम भी आ गए नीचे भीगने कि देखते हैं कहाँ गई हमारी मैडम जी और उनकी पीनट और छोटू लैब्राडोर। तो अब देख रहे हो पानी स्टिल बारिश हो रही थी, मतलब समझ रहे हो, बारिश हो भी रही है, पानी भरा भी हुआ है। एंड यहाँ तो अभी जहाँ मैं चल रहा हूँ ना, तो यहाँ से जिस कॉर्नर पे जाके मैं मुड़ता हूँ ना, वहाँ तक तो फिर भी देखो चलने के लिए ये जगह है, ठीक है। लेकिन आगे, इसके आगे जहाँ से टर्न लेना था ना, वहाँ तो बिल्कुल पैर रखने के लिए जगह नहीं थी और टोटल एकदम पानी था। तो मुझे यही लगा कि यार यहाँ से कैसे गई होगी वैशाली है? और पता नहीं कहाँ है। तो फिर मैंने जब देखा गौर से, तो देखा दूर से वैशाली आ रही है पूरी भीगी हुई, और जो छोटू लैब थी जो गोदी में गई थी वो गोदी में ही आ रही है, एंड जो अपनी पीनट है वो उछल उछल के कूद कूद के आ रही है। एंड वैशाली ने बताया कि उसने लैब को भी ज़मीन पे उतारा था, लेकिन इतना पानी था कि लैब जो है वो तैर रही थी। एंड थोड़ी हवा भी थी, तेज चल रही थी हवा भी, तो वैशाली को लगा कहीं ऐसा ना हो छोटी बच्ची है इसको बुखार वगैरह आ जाए। तो ये आराम से फिर उसको गोदी में लेके धीरे 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 मैडम पीनट को घुमा के लेके आए। आपने देखा है कहीं पे इतना ज़्यादा प्यार कोई कर रहा हो अपने डॉग को? भाई मैंने बहुत कम जगह देखा है, ठीक है। मैंने भी ऐसी चीज़ें की हैं लेकिन बहुत बचपन वगैरह में। अब मैं थोड़ा डरता हूँ, मुझे लगता है मेरे डॉग्स बीमार हो जाएंगे या फंगल हो जाएगा, या पता नहीं शायद मैं आलसी हूँ, पता नहीं। लेकिन ये बंदी बिल्कुल आलसी नहीं है। एंड यहाँ पे देखो पीनट ना मेरे को देख लिया, एंड पीनट अब देखना कैसे कूद कूद के मेरे पास आएगी। आई कश्यप पीनट बस मुझसे दूर बेटा, जैकी भी यहाँ बैठा है मेरे साथ, लेकिन एकदम सूखे में। ओ पीनट हारी, पीनट चलो बेटा, ओ चलो चलो हप 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 देखो, आजा चलिए चलिए चलिए। और घर में आते ही ना, द फर्स्ट थिंग जो वैशाली ने की वो था दोनों ही पपीज़ को नहलाया, एंड फिर दोनों को ब्लो ड्रायर से सुखाया ताकि उनको कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए। तो गाइस ये देख के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि वैशाली बहुत प्यार करती है पीनट से, मतलब जैसे आप और मैं करते हैं वैसे वैशाली भी करती है, नहीं थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा करती है। तो लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वैशाली स्टार्टिंग से पीनट से इतना प्यार करती होगी? और एक और क्वेश्चन है कि हम लोग पीनट को लेके ही क्यों आए, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी इतने सारे डॉग्स थे, तो हमको पीनट की क्या ज़रूरत पड़ी? तो ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए ना आपको कहानी सुननी पड़ेगी, और कहानी तो आप मुझे पता है बहुत प्यार से सुनोगे, क्योंकि आप में से आजकल बहुत सारे लोग हो जो पीनट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो यार कहानी स्टार्ट करने से पहले हमें अभी की जो वैशाली है, यानी कि जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है,
एंड जिसके पास अच्छा खासा पैसा है और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, से जाना पड़ेगा इस वैशाली पे, जो कि एक बच्ची थी और कॉलेज स्टूडेंट थी। तो यार ये है उस बच्ची के हाथ का मिष्ठी का टैटू, एंड ये है उसकी छोटी सी मिष्ठी जिसको वो अपने कॉलेज की स्कॉलरशिप वाले मनी से लेके आई थी। एंड लाने के बाद ना मिष्ठी ने उसकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर दी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। आप एक वीडियो देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। I love you. तो आपने देखा कि वैशाली ने मिष्ठू को प्यार कर करके आई लव यू तक बोलना सिखा दिया। तो आप सोचो दोनों की कितनी प्यारी बॉन्डिंग होगी। लेकिन फिर आया डॉग ओनर्स का सबसे वर्स्ट नाइटमेयर, कैनाइन पावो वायरस, जिसकी कहानी बहुत दुख भरी और बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। तो वो तो मैं किसी और दिन सुनाऊंगा, लेकिन बस आप इतना समझ लो कि मिष्ठी हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे और कोई भी उम्मीद नहीं थी कि मिष्ठी बच पाएगी। एंड वैशाली को इस चीज़ ने ना बिल्कुल झिंझोड़ के रख दिया। और तभी वैशाली ने मिष्ठी का टाटू बनवाया था अपने हाथ पे, जिससे कि मिष्ठी की जो मेमोरीज हैं वो वैशाली के साथ लाइफ लॉन्ग रहे हैं। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ सही हो गया और लाइफ बहुत अच्छी हो गई और बहुत सारी खुशियाँ आई। मेरी और वैशाली की शादी हो गई, मिष्ठी के छोटे छोटे पपीज़ हो गए, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अब क्योंकि मिष्ठी को वैशाली के घर पर रहना अडेप्ट कर चुकी थी, तो वो तो मिष्ठी की मम्मा के साथ रहती है, वैशाली मेरे साथ रहती है हमारे घर में। तो मुझे हमेशा ना ये फिक्र रहती थी कि अगर किसी दिन मिष्ठी को कुछ हो गया, मिष्ठी हमारे साथ नहीं रही अगर, तो वैशाली को कैसे संभालूंगा मैं, मतलब क्या करूंगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो मैं हमेशा ना वैशाली से बोलता रहता था कि यार मिष्ठी का एक पपी पाल लेते हैं और उससे बाद में अगर कभी हमारे पास मिष्ठी नहीं रहेगी तो हम उसके थ्रू खुश रहेंगे। लेकिन वैशाली का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता था कि नहीं, मिष्ठी की जगह मैं किसी को नहीं दे सकती, और इस आंसर से मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था। तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बस वो कांस्टेंट डर ना मेरे दिमाग में बना हुआ था। बट फिर एक दिन क्या हुआ ना कि वैशाली को एक बीगल पपी दिखा, जो कि उसको बहुत प्यारा लगा, उससे वो बहुत खेली। बट वो ऑलरेडी किसी का था तो वो तो हम नहीं ले सकते थे, बट मैंने वो चीज़ ना बहुत नोटिस करी और मुझे लगा कि एक बार ट्राई तो करें यार एक बीगल पपी ला के। तो फिर क्या था, मैंने अगले दिन वैशाली को पीनट गिफ्ट कर दी, एंड ये है अपनी पीनट। और यहाँ से हुई हमारी स्टोरी में पीनट की एंट्री। एंड इस मोमेंट को ना मैंने कैमरे में रिकॉर्ड भी किया था। तो अगर आपको रिएक्शन देखना है वैशाली का कि क्या रिएक्शन था जब फर्स्ट टाइम उसने पीनट को देखा था, तो आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और आप मेरे चैनल पे पीछे स्क्रॉल करके भी जा सकते हो देखने। बहुत ही प्यारा मोमेंट था। एंड उसके बाद ना कहानी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ठीक है। तो पीनट ना हमने जब अडॉप्ट की थी गाइस, तब वो 2 महीने का बच्चा था, लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत और हरकतों से बहुत ही ज़्यादा शैतान। आपका भी मन कर रहा होगा कि भाई शैतानी तो हम भी देखेंगे फिर इसकी, तो चलो मिलके देखते हैं इसकी बहुत सारी शैतानियाँ। मैं नहीं कर रही बात उससे, मैं नहीं करूंगी बात उससे। वहां कहां जा रही है? गुच्छा, गुच्छा क्यों होती है? क्यों होती है गुच्छा? शैतानी करती है। आई मेरे कपड़े काट लिए। और भी पीनट का कपड़ा कैसा है देखो भाई। ओह स्वेटर तो बहुत सुंदर है गुच्छा, इसीलिए गुस्सा हो रही है क्या? पहना दी है। आई गन्नू को नहीं तक 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 शैतान। No.
नो नो क्या है मैं नहीं कर रही ऊपर सारी बुक्स मेरी नीचे कर रखी हुई है तूने मैं नहीं उठा रही नहीं उठाऊंगी आएगा क्या करेगा आगे चेरी को क्यों मार रहा है आजा पीनट आजा वैशाली को इतना प्यार किया कि वैशाली की लाइफ में जो मुझे सबसे ज्यादा डर था ना कि अगर मिष्टी को कभी कुछ हो गया तो वैशाली कैसे संभलेगी वो मेरा डर थोड़ा कम हो गया क्योंकि मिष्टी भी बहुत प्यार करती है वैशाली से लेकिन पीनट जितना नहीं पीनट तो यार मतलब जान है मतलब पीनट वैशाली की और वैशाली पीनट की एंड तभी तो आपको पता होगा कि अभी जब पीनट चोरी हो गई थी तो कितनी दिक्कत हुई मतलब आपने देखा होगा वीडियोस में कि वैशाली कितना रो रही थी अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हो वो भी मैं आई बटन में दे दूँगा एंड मतलब एक दिन तो इतना तेज़ रो रही थी ना वो कि सबको लगा कि शायद इनके घर में किसी को कुछ हो गया क्या तो लोग कॉल्स करने लगे कि भाई क्या हुआ आपके घर में इतनी तेज़ रोने की आवाज़ क्यों आ रही है तो फिर बताया कि नहीं यार वो पीनट के लिए रो रही है तो आप समझो इतनी प्यारी बॉन्डिंग है इन दोनों की तभी तो इतना ज़्यादा दिक्कत हुई जब पीनट खोई एंड न्यूज़पेपर में भी आया पीनट चोरी हुई थी तब भी आया पीनट मिल गई तब भी आया जिसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ ट्विंकल जी को और NBT को जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी हमारी पीनट को ढूंढने में एंड आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया पीनट जब वापस आई है तो क्या वो शैतानियाँ कर रही है तो यार देखो स्टार्टिंग में तो कुछ दिन वो थोड़ा सा डरी हुई थी लेकिन अब देखो आप खुद ही देख लो अब वो कैसी है तो गाइज आपने देखा कि अब हमारी पीनू फिर से पूरी मस्ती खोर हो गई और बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करती है तो गाइज अभी तो ये तो एक कहानी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि पीनट हमारी लाइफ में कैसे आई और वैशाली उसको इतना प्यार क्यों करती है लेकिन अभी बहुत सारी कहानी बची है जैसे कि मिष्टी और पीनट की दोस्ती कैसे हुई भालू और पीनट और मिष्टी की दोस्ती कैसे हुई लेकिन वो मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगा अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी ना तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ये वीडियो पूरी देखी एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय आई लव यू टेक केयर बाय बाय